करते हैं। हमने हमारी इनसे डिमांड यही है कि जो हमारे पीएचडी का एडमिशन है उसके लिए हमारे लिए सीटें बढ़ाई जाएँ। उसके लिए हम लोग हम सभी यहाँ पे धरने में बैठे हैं पिछले एक हफ्ते से। हम लोग उनसे बातें कर रहे हैं, ना कि हमें मिलने दिया जा रहा है, ना ही हमसे बात की जा रही है। हमारे वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि हम उनके बच्चे हैं, ना ही हमसे। तो क्या ये एक बच्चों से मिलने का तरीका नहीं है? क्या अपने बच्चों के साथ ऐसे इस तरीके का सलूक किया जाता है? धरने के दौरान परेशानियाँ क्या आ रही हैं? इन परेशानियाँ में ये आ रही है, ना तो हमें पानी पीने के लिए अंदर जाने दिया जा रहा, ना हमें वॉशरूम यूज़ करने दिया जा रहा। तो क्या ये हमारे हक नहीं है? इस हम इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो हमारा इतना तो हक बनता है कि हम वॉशरूम यूज़ कर सकें, पानी पी सकें, लेकिन उसके लिए भी हमें मना कर दिया जा रहा है। कौन सी जगह धरने पर बैठे हैं जी? हम लोग यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के बाहर धरने में बैठे हुए हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने रोका आपको वॉशरूम जाने से या पानी बाहर जो गार्ड खड़े? ये बाहर जो गार्ड हैं हमसे तो इन्होंने ही कहा है, हमें तो हमें तो यहाँ जो बाहर जो गार्ड हैं उन्होंने कहा था कि हमें अंदर से मना कर दिया। परमिटेड टू यूज वॉशरूम एंड सेकेंडली वी आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर। ओके, हमारे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमें टॉयलेट यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है। सेकेंडली हमें पानी इस्तेमाल नहीं किया देना जा रहा है। थर्डली हम नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं, नमाज का टाइम हो रहा है तो तब भी नमाज़ पढ़ने के लिए भी परमिशन नहीं है। हम फीमेल्स हैं, हम कहाँ जाएंगे वॉशरूम और ये सब करने के लिए? हमें बेसिक राइट्स की तो परमिशन होनी चाहिए ना, तो परमिशन भी नहीं है हमें इन चीज़ों की। अब कहाँ पर धरने पे बैठे, क्यों बैठे हैं? हम एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन पे बैठे हैं धरने के लिए, एंड वी आर ऑल पीएचडी क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हु नीड एडमिशन। तो आपको क्या कह के रोका गया अंदर जब वॉशरूम जब जा रहे थे? तो बस उन्होंने ये कहा कि गेट नहीं खुलेगा, और नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। जब आपने बताया वॉशरूम जा रहे तब भी नहीं बताया? जी नहीं, उन्होंने कहा यू आर नॉट अलाउड, आपको परमिशन नहीं है वॉशरूम यूज करने की, यहाँ पे आप लोग अंदर नहीं जा सकते। नाम क्या आपका? ज़ैनब नाम है मेरा। मेरा नाम मोहम्मद फराज़ है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ पर। मैंने मास्टर यहीं से ही किया है। हम लोग यहाँ पर टेस्ट क्वालिफाई हैं, हमें इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। हमसे ये कहा गया है कि सीट्स वैकेंट नहीं है, जबकि सीट्स इतनी हैं कि हर बच्चे का दो दो तीन तीन बार एडमिशन होता है। जो प्रोफेसर्स के साहब के हजरात, जो प्रोफेसर हजरात के करीबी होते हैं, उनके भाई भतीजे होते हैं, नेपोटिज्म जिसे कहा जाता है, उनके एडमिशन हो जाते हैं, चाहे उनकी रैंक कहीं पर भी हो, कुछ भी हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब ऑब्जेक्टिव बेस पर ही जाते हैं, लोग क्वालिफाई हैं, कोई नेट कोई नेट JRF हैं, कोई कोच हैं, वो सबके सब क्वालिफाई हैं। ठीक, तब भी हमें अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रार ऑफिस का गेट है, दिखाइए इधर, ये यहाँ पे अंदर बाथरूम है। ये गेट, ये वाला गेट हर टाइम खुला रहता है, क्योंकि अंदर मस्जिद है, पांच वक्त की नमाज यहाँ पर होती है। ये गेट हमेशा खुला रहता है, यहाँ पर कोई भी बाथरूम नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये पार्किंग है इधर, और एक गार्ड्स का रूम है, इन्हें दिखाइए इन्हें इधर। तो महिला मतलब जो लेडी है आज, अब ऐसा हुआ हमने कहा कि हमें बाथरूम जाना है, तो चाहत अली नाम के एक हैं और नदीम खान, नदीम है कोई, ये दोनों ऐसा ही हैं। तो यहाँ पर आ गए लड़कियों के साथ, जो लड़कियाँ अंदर जा रही थी उनसे पूछ, रोक के पूछने कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा वॉशरूम। बोले क्यों, ये कोई सवाल होता है क्यों जा रही हैं? ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर स्वच्छ अभियान को भी ये पूरी तरीके से हम यहाँ चौथा दिन है हमारा यहाँ बैठे हुए, रोजाना के ये मीटिंग हो रही है, ऐसा हो रहा है कुछ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, टाला जा रहा है। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो PhD एप्लीकेंट हैं, क्वालिफाइड हैं, और JRF नेट क्वालिफाइड हैं। मेरा देखिए, ये JRF खुद देखिए, मैं क्वालिफाइड हूँ, और DU में मेरी फर्स्ट रैंक थी, और यहाँ सब अच्छे क्वालिफाई मार्क्स आए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इनके लिए। मैं पूछना चाहता हूँ रजिस्ट्रार से और कंट्रोलर से और वाइस चांसलर से कि PhD के लिए और क्या करना पड़ता है। धरने के दौरान परेशानियाँ और क्या परेशानियाँ? हमें इतना डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ बैठने से हमें मजबूर किया जा रहा है। अब देखिए, नमाज का वक्त है, दोपहर में धूप, इधर उधर धूप का मौसम है, लेकिन हमारे ऊपर पानी भी बंद कर दिया गया है। हम पूछ रहे हैं नमाज के लिए कहाँ जाएं, नमाज के लिए भी इजाज़त नहीं देंगे, तो ये लोग कह रहे हैं वाइस चांसलर साहब से बोल लीजिए, परमिशन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इसी दिन के लिए सर सैयद ने ये चमन बनाया था? क्या इसी दिन के लिए ये ख्वाब देखा था? इसी दिन के लिए ये बाबे सैयद बनाया गया था कि कौम मुस्लिम या हिंदुस्तान की कौम आगे बढ़े? लेकिन आज जो सर सैयद ने ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को ये बिल्कुल उसे पसे पुष्ट डाल रहे हैं। और आज आप कहना है कि